हम सब समझदार हैं, हम कर लेंगे। अगर जीवन में आचरण में भक्ति है तो वो मर्यादित होगा। जब बालक देखता है कि पिताजी घर के मंदिर में दीवार में आरती कर रहे हैं, कुछ घुमा रहे हैं, तो बालक अपने अपनी माँ से पूछता है कि पिताजी कर क्या रहे हैं। माँ कहती है, बेटा तेरे पिताजी भगवान की पूजा कर रहे हैं। बालक कहता, माँ ये भगवान कौन है, ये भगवान दीवार में है क्या? माँ कहती, नहीं नहीं दीवार में नहीं, भगवान तो सर्वत्र व्यापक है, वो भगवान का चित्र लगा हुआ है, वो भगवान है। अच्छा, चित्र में भगवान है क्या? फिर माँ की बुद्धि चकराती है, नहीं भगवान का ये चित्र है, चित्र में भगवान, भगवान तो सर्वत्र है। तो उसकी मूर्ति की कल्पना करके तेरे पिताजी पूजा कर रहे हैं। अच्छा, ये भगवान करते क्या है? ये संसार बनाने वाले हैं बेटा, ये हमें जन्म देते हैं, हमें पालते हैं, माँ समझाती है बेटे को। तो पिता के घर में प्रातः संध्या काल में पूजन करने से अबोध बालक की बुद्धि में संस्कार पड़ रहा होता है। मैया को देखता है, पिताजी को देखता है, और एक बालक देखता है कि पिताजी रोज आकर के सामने रख करके टेबल में एक बोतल में पैक बना करके पी रहे। और जब बेटा देखता है दरवाजे से, पिताजी अभी भी तो ठीक थे, झूम करके अंडसंड बोल रहे हैं, तो पिताजी कहते जाओ जाओ अंदर जाओ, बेटा इधर नहीं आना, गंदी बात। चार दोस्त बैठे, महफिल रमी हुई है, जाम में जाम चल रहा है हमारा, बेटे को डांटा जा रहा है, तुम अंदर जाओ। बेटा अंदर जाके माँ से पूछता है इस बात को भी, क्योंकि माँ उसकी प्रथम गुरु है। माँ, वो पिताजी क्या लाल लाल सा पी रही है? अब माँ बिचारी कैसे गए, वो शराब पी रही, मस्तिष्क पर गलत प्रभाव ना पड़ जाए। वो थोड़ी देर सहमती है, कहती नहीं नहीं बेटा, तेरे पापा शरबत पी रहे हैं। अब शरबत कह तो दिया, मुझसे शरबत पी रहे हैं। अब बेटा सोचता, अच्छा थोड़ा बड़ा मैं भी हो जाऊं, मैं बड़े गिलास में शरबत पीऊंगा माँ। जब तक पिता के जैसा नहीं होता, बुद्धि में मैच्योरिटी नहीं आती, तब तक देखता रहता है। फिर पिताजी से कहता, पिताजी आओ, दोनों बैठ करके शरबत पीते। फिर पिता परेशान, रात को जब लगा के आ रहा बेटा, बाहर निकल, तो जननी जनी तो भक्त जन, संस्कार तो दिया ही नहीं। अब रो रहे बैठ करके कुर्सी, क्या करे, संस्कार पूर्ण दोष जाए थे। शास्त्रों ने कहा कि जन्म से संस्कार बढ़ता है, इसलिए चेतना में आने की आवश्यकता है, इसलिए सत्संग में आने की आवश्यकता है। पाश्चात्य संस्कृति तो खूब सिखाई, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा पढ़ा करके तुमने हॉस्टलों में बच्चों को भेज भेज करके विदेशी संस्कृति तो सिखा दी, लेकिन रामकृष्ण की आर्य मर्यादा से वो इतर हो गए, वंचित रह गए। इसलिए आर्य मर्यादा से वंचित रहने के कारण उनकी भाषा बदल गई, पिता को बुड्ढा कहने लग गए, माँ को बुढ़िया कहने लग गए, उनकी भाषा में अपभ्रंश आ गया है, ये संस्कार बढ़ा। तो इसलिए ये भागवत जनाहा, जो भागवत जन हैं, उनको तो बड़ी सतर्कता के साथ अपने घर में अपने आराध्य का नित नित नियमित पूजन करना है, ताकि उसमें संस्कार बढ़े। संस्कार देखने से बढ़ता है, कहने से नहीं। चरित्रवान पुरुष को चाहिए कि वो अपने चरित्र में भक्ति को लाए। मुख से तो कुछ और ही कह रहा है, मुख में राम राम बगल में छुरी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो करते हैं कहते हैं करते नहीं, मुख के बड़े लबार, इनके मुख काले पड़ेंगे प्रभु जी के दरबार। तो जो मुख से बोलते तो बहुत ऊंचा ऊंचा है, लेकिन प्रैक्टिकल में जीरो है। जब करने की बारी आती है तब कहते हैं, भगवान तो सबका है महाराज, हमारा ही थोड़ी है, सेवा सब करेंगे। अरे सब करें ना करें, पहले तुम तो करो, अपने व्यक्तित्व को तो निखारो। तो जब हम बदलेंगे तब हमारा परिवार बदलेगा, फिर हमारा समाज बदलेगा, फिर हमारा राष्ट्र बदलेगा, फिर विश्वगुरु कहलाएंगे हम। ये भारत सनातन भारत है, ये सनातन वृक्ष की जड़ है। भगवान मूलम ही विष्णु देवाना, भगवान सनातन की जड़ है। इसलिए इस जड़ को, यदि जड़ में पानी डालोगे
तो पेड़ का पत्ता पत्ता हरा रहेगा, जड़ में पानी डाला नहीं, पत्तों में फुहारे चलाते रहोगे तो पेड़ सूख भी सकता था। इसलिए बड़ी सावधानी से भक्तिमती माताओं, ये जीवन भगवान का प्रसाद है, वरदान है। एक सेठ जी बैठे थे, छोटा सा वृतान था, उसके पास आरती होगी, समय भी होता चला है। एक सेठ जी अपनी दुकान में बैठे थे, एक प्यासा व्यक्ति पहुंच गया, बहुत प्यास लगी थी। कहने लगा, सेठ जी आपकी दुकान में यदि पानी हो तो थोड़ा पानी पिला दो। सेठ जी ने कहा, ठहर जाओ आदमी आ रहे हैं। सेठ जी के नौकर चाकर लगे, सेठ जी तो अपनी गद्दी में आराम से बैठे हुए, पानी का थर्मस भी रखा हुआ है बगल में, लेकिन आप कौन दे, आदमी अंदर काम में लगे हुए, तो दो मिनट ठहर जाओ आदमी आ रहा है। दो चार मिनट ठहर गया बेचारा, फिर बोला, सेठ जी थोड़ा पानी पिला दो। सेठ जी ने कहा, अच्छा अच्छा पिलाते हैं, थोड़ी देर और ठहर जाओ, अभी आदमी नहीं है, आदमी आ रहा है। 10 मिनट बाद बेचारे को फिर असहनीय हो गया, फिर बोला, सेठ जी पानी पिला दो, गला सूखता जा रहा है। सेठ जी ने कहा, बस आता ही होगा, आदमी नहीं है इसलिए इतनी देर लग गई भाई तुम्हें पिलाने में, आदमी आ रहा है आते ही पिला देंगे। प्यासा व्यक्ति बड़ा सहमा सा बोला, सेठ जी थोड़ी देर के लिए तुम ही आदमी बन जाओ, आदमी जब आएगा आएगा, तुम ही मनुष्य बन जाओ, तुम ही पिला दो पानी, क्यों आदमी का इंतजार कर रहे हो। तो मानवता विलुप्त है, स्वयं उपकार चाहते हैं, परोपकार चाहते हैं, लेकिन सेवा का भाव नहीं है। अनयस्य दोष गुण चिंतन नासो मुक्तवा, सेवा कथा रसमहो नितराम पिवत्वम। तो यदि अपना कल्याण चाहते हो तो दूसरों से कहने की आवश्यकता नहीं है, खुद मैदान में उतरने की आवश्यकता है, कर्मनिष्ठ जीवन बनाने की आवश्यकता है। जब हम भागवत जी की सेवा करते हैं, जब माता आदिशक्ति हाटकालिका की सेवा करते हैं, तो अत्यंत हमारा मन पवित्र हो जाता है और हमारी सेवा सुश्रुषा देख करके दूसरे व्यक्ति के मन में भी जिज्ञासा उठती है कि हमें भी सेवा करनी चाहिए। सेवा से विनम्रता आती है, दया आती है, वात्सल्य आता है, भगवान की कृपा का पात्र बन जाता है, पात्रता आती है। तो सज्जनों, आज भागवत जी का तो यार दोस्तों आगे हम भागवत से, और कैसा लगा आपको ये सुन के जरूर बताना। तो मैं सोची दोस्तों इस ब्लॉग की नहीं यहीं पे कर देते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे, अगर पसंद आ रहे होंगे प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं चंद्रा जल्दी मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।